नमस्कार, तो कार्मिक अपना IFMS 3.0 इस पर डाटा अपलोड करना और डाटा चेक करने संबंधी समस्त प्रक्रिया जो समस्त कार्मिकों के लिए अनिवार्य है इस वीडियो में चर्चा करेंगे, साथ ही प्रोसेस के बारे में जानेंगे। लेकिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो मोबाइल या लैपटॉप पर जैसे ही जाकर आप गूगल सर्च पर IFMS 3.0 क्लिक करेंगे, आपको सबसे पहले वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्प्ले पर दिखाए अनुसार कुछ ऑप्शन दिखाई जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर आपको जैसे ही लॉगिन करना है तो सबसे कॉर्नर पर IFMS 3.0 जो ऑप्शन दिखाया गया है यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको SSO और पासवर्ड डालकर साथ ही कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद में वेलकम मैसेज के बाद में आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, जिसमें सबसे पहले योर SSO लॉगिन, सेलेक्ट स्पेस एंड सेलेक्ट डेस्क एंड रोल। और आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो दो ऑप्शन दिखाए जाएंगे, जिसमें एक्सिस वर्कप्लेस और दूसरा एक्सिस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। आपको सबसे पहले एक्सिस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक्सिस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर, तो आपके सामने कुछ इस तरह से मॉड्यूल दिखाया जाता है, जिसमें राइट साइड में आपका फोटो और आपकी डिटेल्स यहाँ आपको दिखाई जाएंगी। इसके अलावा यहाँ आपकी एम्प्लॉय आईडी दिखाई जाएगी और आपके यहाँ जो भी GA पचपन है वो दिखाया जाएगा और आपकी यहाँ इसके नीचे आपकी जो भी सैलरी स्लिप है वो आ जाएंगी। इसके अलावा नीचे आप माय एक्टिविटी ऑप्शन देख सकते हैं और फॉर्म 16 देख सकते हैं, टैक्स कैलकुलेटर वगैरह बहुत सारे ऑप्शन हैं। फॉर्म 16, एरियर, GA 55, हॉलीडे कैलेंडर, इनकम टैक्स डिडक्शन वगैरह सारे ऑप्शन यहीं दिखा दिए गए हैं। लेकिन अभी ये जिस पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कमिंग सून नाम से एक पॉपअप शुरू है। आप यहाँ पर माई पर्सनल इन्फो जो भी आप है दे रखा है वहाँ अभी पेंडिंग ऑप्शन दिखाया गया है। हाँ, इसमें बहुत से ऑप्शन दिखाए गए हैं, जो माई एक्टिविटी है इसमें, माई पर्सनल इन्फो इसमें अभी पेंडिंग ऑप्शन आ रहा है। इट मीन्स अभी तक ये आपके पे मैनेजर से फैच नहीं हुआ है। जैसे ही फैच हो जाएगा उसके बाद में आपको यहाँ सारी डिटेल दिखा दी जाएंगी। इसमें माई पर्सनल इन्फो या फॉर्म 16 वगैरह किसी पे भी आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने वहीं पहले जैसा सेम पॉपअप कमिंग सून दिखाया जाएगा। इट मीन्स अभी ये एक्टिव नहीं हुआ है, जल्द ही पे मैनेजर से फैच होकर यहाँ डिटेल अपडेट हो जाएंगी। इसके लिए आपको अपने DDO को एक फॉर्म है जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाइए, वो भरकर आपको DDO को देना होगा। अभी के समय में DDO आपका वो समस्त डिटेल्स अपडेट करेंगे। बाकी सेम डिटेल्स आप अपनी SSO ID के माध्यम से भी, चाहे जनाधार हो या अन्य कोई डिटेल्स हो, वो सभी आप भर सकते हैं। उम्मीद है दी गई जानकारी समझ आई होगी। इसके अलावा जैसे ही IFMS 3.0 पर नई अपडेट होगी जल्द ही चैनल के माध्यम से आपके साथ साझा जरूर करेंगे। धन्यवाद।